तो स्वागत है आप लोगों का रजा किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक पेस्ट्री। तो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है वीडियो और बहुत ज़बरदस्त बना है हमारा पेस्ट्री। तो देखिएगा आप लोग हम कैसे मेकिंग करते हैं और बनाते हैं। तो चलो चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हम लिया है यहाँ पर चॉकलेट कंपाउंडर लिया है जो 40 ग्राम का लगभग होगा। उसमें हम दूध ऐड, जो हमारा क्रीम है 10 ग्राम हमने क्रीम भी लिया है उसमें ऐड किया है। उसके बाद हमको दूध भी ऐड करना है, 5-6 ग्राम दूध ऐड कर देंगे बस उसमें। इसको ओवन में हम बॉईल करेंगे तब तक। अभी हम ले लिया यहाँ पे 2 अंडे और अंडे का पानी निकाल लेंगे हम। तो देखिए अंडे का पानी निकाल रहे हैं अभी। इसको पानी पहले हम मिक्स करेंगे पानी निकाल के। तो देखिए 2 अंडे से आज हम केक बनाने वाले हैं, जो चॉकलेट केक है हमारा पेस्ट्री। तो ये दूसरा अंडा है, उसका भी पानी निकाल के हम इसको करेंगे मिक्स पहले। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है, देखिए यहाँ पे हमारा मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अब शुगर डालूँगा अभी। तो देखिए 150 ग्राम शुगर है ये, उसको भी करेंगे मिक्स पहले। शुगर को भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम मिक्सी के जार से ही मिक्स कर रहे हैं, यह हमको ज़्यादा आसान तरीका लग रहा है, तो इसलिए हमारा झटपट केक बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने अब डालूँगा ऑयल, जो हमारा ऑयल है 25 ग्राम का लगभग ऑयल है। छोटा केक बनेगा हमारा, ज़्यादा बड़ा केक नहीं है, इसलिए हम क्वान्टिटी के हिसाब से डाल रहे हैं। तो इसको भी हम मिक्स कर लिया है। जो अंडे का ग्रीन पार्ट था उसको अभी डाल दिया हमने येलो कलर का। अभी हम यहाँ पे वनीला एसेंस डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून के लगभग, उसको भी कर लेंगे हम मिक्स। उसके बाद हम लेंगे बॉल। बॉल में हम क्या करेंगे, जो मिक्स किया है ये अभी हमारा स्पॉन्ज को हम बॉल में डाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमने बॉल में हमारे स्पॉन्ज को डाल दिया है। तो इसके बाद हमको लेना है यहाँ पे मैदा छकनी में, वो 110 ग्राम मैदा लिया मैंने। यहाँ पे मिल्क पाउडर भी हमारा 20 ग्राम लगभग। यहाँ पे चोको, यह हमारा कोको पाउडर है 15 ग्राम का लगभग, यही मेन है। यहाँ पे बेकिंग पाउडर है 2 टीस्पून, और इसके बाद हमने बेकिंग सोडा भी किया 1/2 टीस्पून। यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट ऐड किया। तो यहाँ पे हम पूरे चीज़ों को छान लेंगे अच्छे से। छान के हम अब करेंगे मिक्स। तो देखिए ये हमने छान लिया यहाँ पे। तो हमको अब मिक्स करना है, यहाँ स्पून से ही हम ऐसे चम्मच से ही इसको हिला हिला के करेंगे मिक्स। तो आप लोगों को भी इसी तरीका आजमाना है तो आप लोगों का भी जल्दी झटपट रेसिपी हो जाएगा, बन जाएगा, कोई झंझट नहीं होगा। तो आप लोग सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही करो तो जल्दी बन जाएगा आप लोगों का भी रेसिपी। देखिए यहाँ पे हमारा जो स्पॉन्ज है वो हो गया है यहाँ पे मिक्स। तो अभी हम इसको जो है, जो हमारा ट्रे को रखा था हमने, देखिए ये हो गया मिक्स हमारा। अभी जो हमारा ट्रे है, छोटा ट्रे लिया यहाँ पे, तो उसके अंदर हमको डाल देना है हमारा स्पॉन्ज को ब्रेकिंग होने के लिए। और इसको हम ब्रेकिंग करेंगे ओवन में 180 सेल्सियस में 35 मिनट के लिए ब्रेकिंग ये हो जाएगा ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बराबर कर लेना है, उसके बाद मैं इसको ओवन में डालूँगा। तो अब मैंने ओवन में इसको डालना है। तो देखिए ओवन में हमारा केक जो दिख रहा है बहुत ज़बरदस्त फूल के हुआ है। तो यहाँ पे हमारा केक हो गया है ऑलरेडी रेडी। तो हम इसको निकाल के देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त हुआ है, सक्सेसफुल है। और इसको निकाल लेंगे हम यहाँ पे, देखिए इसको हमने निकाल लिया है। इसको थोड़ा काट के निकालना पड़ता है ये, इसको पेपर भी हटा देंगे हम, बटर पेपर को। तो यहाँ पे हमको अब क्या करना है, 3 लेयर का काटना है इस केक को। तो ये केक हमारा ज़बरदस्त हुआ है, चॉकलेट हमारा कोको पाउडर बहुत अच्छा है, तो अच्छा कंपनी का कोको पाउडर है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कोको पाउडर, जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो देखिए हमारा केक जो है बहुत अभी गरम गरम है हमारा केक,
उसी टाइम मैं इसको काट रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 पीस कर लिया है ऑलरेडी। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त है हमारा केक। अब हमको इसको साइड में रखना है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे कंपार्टमेंट और जो क्रीम लिया था ओवन में रखा था उसको यहाँ पे कर लेंगे मिक्स। तो देखिए यहाँ पे मिक्स हो गया है। उसके बाद हम 100 ग्राम क्रीम लिया है व्हीपिंग क्रीम, इसको हम व्हीप करेंगे। इसको व्हीप करना है, ये हमको बहुत भारी पड़ गया आज व्हीप करते करते, क्योंकि हमारा यहाँ पे बहुत गर्म है तो गर्म में क्रीम नहीं बनता है ज़्यादा। तो इसके नीचे मैं आइस डाल लिया था, एक बर्तन के नीचे आइस लिया था मैं, ये बर्तन के नीचे मैं आइस डाला है। देखिए यहाँ पे हमने आइस लिया था, तभी हम उसको थोड़ा थिक कर पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा था। ये तो हमारा जो फर्स्ट लेयर है उसमें हम दूध डाल रहे हैं, तो आप भी डाल सकते हैं, दूध हो चाहे शुगर हो, शुगर सिरप कुछ भी करके आप डाल सकते हैं इसमें ताकि सॉफ्ट अच्छा बने। तो यहाँ पे मैं अब डालेगा क्रीम। तो यहाँ पे मैंने लेना है क्रीम, इसको फर्स्ट लेयर हमारा अभी रेडी होने जा रहा है। तो देखिए हमारा क्रीम बहुत लूज है, बहुत लूज है, सामान्य में बहुत मुश्किल हो गया था। तो बहुत वैसा वैसा करके हमने संभाला है इसको उधर उधर करके, और फ्रिज में भी रखा था। यहाँ मैंने चोको चिप्स डाल दिया फर्स्ट लेयर में, उसके बाद दूसरा डालेंगे। देखिए इसको भी हम वैसा ही करना है, मिल्क डालना है ऊपर, फिर उसके बाद में वैसा ही करना है, इसके ऊपर भी क्रीम डालेंगे, इसके ऊपर भी चोको चिप्स डाल के तीसरा लेयर लगा लेंगे हम। देखिए यह हमारा जो केक है यहाँ पे हो गया है रेडी, तीसरा लेयर भी हम लगा लिए थे उसी टाइम। तो हमारा केक का जो क्रीम रुक ही नहीं रहा था, इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाया हम। तो ये केक को मुझे पहले ही फिर से फ्रिज में रखना पड़ेगा 10 मिनट के लिए मैक्सिमम, ताकि इसका क्रीम थम जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे को क्रीम बहुत दिक्कत दे रहा है, बहुत दिक्कत दे रहा है, क्रीम उधर उधर भाग रहा है, और हमें लगता था कि आज तो केक बनने वाला है ही नहीं लगता है, ताकि क्रीम हमारा जो है वो रुक ही नहीं रहा था और पानी पानी जैसा हो गया था क्रीम। हम ज़बरदस्ती उसको संभाला है। तो देखिए जल्दी जल्दी करके हमको इसको फ्रिज में डालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किलात होगा, हम इसलिए यहाँ पे बहुत जल्दी किया है। तो देखिए हम इसको अभी फ्रिज में डालेंगे, और देखिए इसको फ्रिज में से हम निकाल लिया है, तो थोड़ा हार्ड हुआ है। तो दोस्तों हमारा से एक गलती हो गया है, जो हमारा इसका आगे वाला पार्ट है वो स्किप हो गया था, जो हम यहाँ पे चॉकलेट सिरप डाला था, चॉकलेट सिरप डाल के बराबर किया था। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं बराबर कर लिया था चॉकलेट सिरप डाल के, वो स्किप हो गया था वो पार्ट। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से, तो दिखा नहीं पाया आप लोगों को मैं, तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ था, चला गया था वो, स्किप हो गया था वो पार्ट, दोबारा एंट्री नहीं हुआ, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ था। तो मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट को लगा लिया है डिज़ाइन के लिए। तो देखिए तो उसके बाद मैंने को यहाँ पे चोको चिप्स भी डाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छा लगे देखने में, चॉकलेट केक है और चोको चिप्स ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट चिप्स भी डाल दिया है चॉकलेट केक में, और उसके बाद मैंने डिज़ाइन के लिए चेरी भी लिया है। तो यह हमारा जो केक है ये अभी रुक गया था, थम गया था, क्योंकि मैंने चॉकलेट सिरप डाल के भी उसके ऊपर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो वो रुक गया था। तो अभी भी ये भी बहने लगा था, तो हम जल्दी जल्दी करके इसको आप लोगों को हमें दिखाना था, तो इसको हम काट के आप लोगों को जल्दी दिखाएँगे। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है फुल केक हो गया है, तो यहाँ पर रेडी देखिए हमारा केक जो है बहुत ज़बरदस्त केक बनाया है, बहुत ज़बरदस्त केक है, और हम आप लोगों को यहाँ पे काट के दिखाएंगे बाहर निकल के। तो चलिए देखिए बहुत सॉफ्ट है हमारा केक, यहाँ पे हम एक पीस आप लोगों को निकल के भी दिखाते हैं कि इसका लेयर कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त है। देखिए
बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलते हैं, फिर मिलते हैं।